सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। यह वीडियो आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो में ड्रिप इरिगेशन में लगने वाले अलग अलग एक्सेसरीज के बारे में विस्तार में जानकारी दी हुई है, और जो सवाल जवाब यह वीडियो में हमने किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन के लिए सब लाइन कितने इंची डालनी चाहिए, किसान भाई के पास जो पानी है उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन अगर कोई किसान भाई को करना है तो उसके लिए किसान भाई ने जो फसल लगवाई रहती है उसके पैटर्न में कुछ फर्क गिरता है क्या, पंप का प्रेशर कैसे नापे और वो ड्रिप इरिगेशन के लिए कैसे इस्तेमाल में लाए, ड्रिप इरिगेशन में प्रेशर मीटर प्रेशर रिलीज वाल कैसे लगवाए, और आखिरी में ड्रिप इरिगेशन में सब लाइन कितनी इंची डालनी रहती है। तो यह सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाने के लिए यह वीडियो आखिरी तक देखिए। तो सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। बारे में उनको भी नॉलेज लेना है, मुझे भी नॉलेज देना है, और आप सभी किसान भाई जो अलग अलग सवाल पूछ रहे वही सवाल यहाँ आ रहे, तो हम अभी ये पार्ट 3 शूट कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। हमने सवाल लिया था कि यहाँ पे एक पहले पार्ट 2 में हमने एक ड्राइंग निकाला था और वहाँ पे मैंने बताया था कि मेन पाइपलाइन क्या, सब पाइपलाइन क्या, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो प्लॉट लिया था उसमें मैंने कंसिडर किया था 1 एकड़ का प्लॉट, ठीक, ओके। अभी कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए आपका खेत ऐसा है, ठीक, और ये बड़ा क्षेत्र है, ठीक, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है या 10 एकड़ है नहीं मालूम, ठीक है। आपका पानी का सोर्स ये था और आपने उस समय ऐसी पाइपलाइन की थी। अब ये बड़ा क्षेत्र हो गया, ओके। और इससे भी आगे जाके एक सवाल हमने किया था कि जो सलिया है, जो नलिया है, वो कैसे डालना, ठीक है। तो उसके पहले मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि मान लीजिए अब ये बड़ा क्षेत्र हो गया, ठीक है, ठीक, तो अभी एक ही सब लाइन पे आपका काम नहीं जमेगा, ठीक, आपको एक से ज्यादा सब लाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अभी उस कंडीशन में ये जो मेन पाइपलाइन है, हाँ, किसान भाई क्या करते हैं, अंडरग्राउंड करके रख देते हैं। अच्छा, जैसे भी उनको सुविधा है अंडरग्राउंड करके रख देंगे, जमीन में 1 फीट 2 फीट अंदर डाल के रख देंगे और जगह जगह पे इसके आउटलेट निकाल के रख देंगे। इसको बोलते हैं चेंबर निकालना। अच्छा, कई और कुछ एरिया में कुछ अलग बोलते थे, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं कि जो अंदर की पाइपलाइन है ये 20 साल 30 साल ऐसे ही रहेगी। अच्छा, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक, और ऊपर जो काम करना है उसके लिए अलग अलग जगह पे सुविधा के हिसाब से 3 या जितना भी चाहे उतना नंबर का आउटलेट निकाल के रख दिया, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका ये बड़ा एक, अभी इसको क्या करेंगे, ये एक एकड़ इधर है, 1 एकड़ इधर है, ये दूसरा तीसरा और ये चौथा पांचवा छठवा सातवा, ऐसा 7 एकड़ का प्लॉट है ऐसा मान लेते हैं। अभी इसको सबलाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देखो, कोई भी किसान भाइयों को हम ये नहीं बोलते कि हमारे हिसाब से आप क्रॉप में चेंज करो, क्योंकि पुरखों से हमारे जो बड़े लोग थे, पुराने लोग थे, उन्होंने सब चेक करके एक खेती का पैटर्न बनाया हुआ है, उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए यह किसान भाई उनकी खेती फसल इस हिसाब से लगवा रहे ऐसे, ओके, तो हम बोलेंगे भाई ड्रिप भी इसी हिसाब से डालेंगे। तो आप क्या करो कि बीच में ऐसा सब लाइन डालो, इसको यहाँ से ऐसा जोड़ दो, ठीक, ठीक है, एक इधर गई। अभी किसान भाई ने जो फसल लगवाई है वो ऐसे लगवाई है, ओके, अभी ये जोड़ दी, एक क्वाक यहाँ पे लगवाया, एक क्वाक यहाँ पे लगवाया। अभी क्या होगा, आपने मोटर चालू किया, ये क्वाक खोल दिया तो पानी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर आपके पास इतना ही पानी है कि एक ही एरिया को कवर करे, सिंचाई कर सकती है, तो एक क्वाक खोलिए, इसको सिंचाई कर दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पानी है, दूसरा एरिया भी आपका सिंचाई हो सकता है, उसको खोलिए, ओके। मान लीजिए आपके पास और ज़्यादा पानी है तो सेम पैटर्न इधर है, सेम पैटर्न इधर है, सेम पैटर्न इधर है। अभी इधर से भी आप ऐसा ही जोड़ के रख देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कम पानी है, 2 एकड़, तो भाई 2 एकड़ पहले कीजिए, बाद में 2 एकड़ कीजिए, बाद में 2 एकड़ कीजिए, बाद में 2 एकड़ कीजिए, तो इस हिसाब से प्लानिंग करना रहता है, ठीक, ठीक है।
तो सरिया तो आपने जैसे भी क्रॉप लगवाना है, क्योंकि तो मैंने देखा है ज्यादा से ज्यादा किसान भाई पूर्व पश्चिम फसल लगवाने की कोशिश करते हैं, अच्छा। क्योंकि जो बहती हवा रहती है वो बीच में से निकल जाए, पौधे को दिक्कत ना आए। ठीक, और उसके तो ये हो गया एक, लेकिन उससे बहुत ज्यादा भी फायदा मिलता है कि हवा जाती है तो परागीकरण ज्यादा होता है, फसल अच्छी आती है, कीटक हवा के विपरीत नहीं जा सकते। तो वो सब चीज़ें जैसे चालू है वैसे चालू रखो, उस हिसाब से हम नहीं जाएंगे। हम इतना कहेंगे कि आप जैसे खेती कर रहे हैं उस हिसाब से हम ड्रिप में मॉडिफिकेशन करें। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा था, मेरा जितना भी सोर्स है पानी का, वो पानी जब लिफ्ट करे वो पंप का प्रेशर कैसे मनापे और वो प्रेशर लास्ट तक कैसे मेंटेन करें? अगर हमको प्रेशर का पता ही नहीं, कभी कभी पाइप फटता है, ऐसा मेरा ये है एक्सपीरियंस है, वो सॉल्व कैसे करें? हाँ, तो इसके लिए हमने किसान भाइयों को एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिकल टेक्निक बताई है। ठीक, ओके। वो टेक्निक क्या है, मान लीजिए ये पूरे क्षेत्र को आपने ड्रिप किया, ओके। अभी आपको नहीं मालूम कि आपके पास क्या प्रेशर है, कैसे है, क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए, पूरे कॉक ओपन रखिए, ओके, और एक बाईपास भी निकाल के रखिए। अच्छा। कभी भी सिस्टम में बाईपास निकालना जरूरी रहता है। अच्छा, ठीक है। और आप मोटर चालू कीजिए, बाईपास भी ओपन है, पूरा सिस्टम ओपन है। आपने पहले दिन क्या करना है, पहले बाईपास धीरे धीरे बंद करके देखना है कि भाई कहीं प्रेशर तो बिल्डअप नहीं हो रहा है, ठीक है, और सब बराबर चल रहा है। तो पूरा बाईपास बंद हो गया मान लीजिए और आपका क्षेत्र हो रहा है तो ठीक है। अगर मान लीजिए आधा बाईपास होने के बाद ही आपका क्षेत्र पूरा हो रहा है तो इसका मतलब क्या कि आपके पास पानी एक्सेस है, आपको कुछ पानी दूसरी जगह लेके जाना है। अगर लेकिन वैसा इतने बड़े क्षेत्र में तो होगा नहीं, तो मान लीजिए पूरा बाईपास बंद हो गया, ठीक है, अभी देखना है कि यहाँ पे हर जगह बराबर प्रेशर आ रहा है क्या, बराबर बूंद बूंद गिर रही है क्या, या क्या दिक्कत हो रही है। अगर मान लीजिए कि आपके पास प्रेशर नहीं आ रहा है, फिर आपको एक कॉक बंद करना है और देखना है कि इतने क्षेत्र में पानी पूर रहा है क्या। अगर मान लीजिए तब भी नहीं हो रहा है तो दूसरा कॉक बंद करना है, तीसरा बंद करना है, चौथा बंद करना है, पांचवा बंद करना है। तो ऐसा आपको एक या दो दिन तीन दिन आपको पहले वाच करना है, ट्राई एंड एरर, इसको हमारे टेक्निकल भाषा में क्या बोलते है, ट्राई करो एरर ढूंढो, अगर एरर आ रहा है तो चेंजेस करो, अगर एरर नहीं आ रहा है तो बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करना है। लेकिन एक प्रेशर रिलीज वाल आता है, अच्छा, ठीक है, हीरा प्रेशर रिलीज वाल, वो क्या है कि आपका प्रेशर कुकर रहता है, उसमें अगर बीच में स्टीम बन जाती है, बाप बन जाती है, तो वो क्या करता है, ऊपर सिटी रहती है वो ऊपर आ जाती है और प्रेशर निकाल देती है। अगर प्रेशर निकल जाता है तो सिस्टम बराबर वापिस अपने अपने प्रेशर पे आती है, तो उसी हिसाब से वो काम करता है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, आइए। अच्छा, आइए, आप आइए ना इधर। आइए, तो ये जो चीज है ना, दिख रहा है कैमरा में, हाँ, ये जो चीज है इसको प्रेशर रिलीज वाल बोलते हैं। कि आपके सिस्टम में अगर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो ये यहाँ से बाईपास कर देगा पानी। अच्छा, अभी कुकर चाहे जितना बड़ा हो लेकिन सिटी इतनी सी रहती है, लेकिन इतने से अगर फोर्स से पानी स्टीम निकलती है तो सिस्टम जल्दी डाउन आ जाती है। तो वैसा इधर भी है, तो ये प्रेशर रिलीज वाले, अच्छा, ये आपने आपके सिस्टम पे लगवा देना है। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके सिस्टम में अगर गलती से प्रेशर बढ़ जाता है तो आपका सिस्टम का ये ओपन करके प्रेशर कम कर देगा, रिलीज कर देगा। ओके, अभी प्रेशर गिनने का कैसा, तो ये प्रेशर मीटर है, ठीक, ठीक है। तो यह प्रेशर मीटर आपने आपके सिस्टम पे लगवा के रखना है कि इससे आप आपके गाड़ी का स्पीड कैसे गिनते हो, हाँ भाई 40 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, तो वैसे इधर दिखता है, ठीक, क्या इसके आपने आपके सिस्टम में अलग अलग जगह पे रखना है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में क्या प्रेशर है। और यह जो पूरा सेटअप है, मतलब मान लीजिए अभी फिल्टर लगवाना है, तो ये एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, इसको हमने इजी टू फिट नाम दिया है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को ये दिक्कत आती है कि सामान लगवाना कैसे, तो यह जो इजी टू फिट है ना, इसको बहुत आसान है भाई। फिल्टर आप लगवा दीजिए, प्रेशर रिलीज वाल लगवा दीजिए, एयर वाल लगवा दीजिए, प्रेशर मीटर लगवाने के लिए जगह है, पानी बाईपास करने के लिए जगह है, बाईपास पोर्ट भी दिया है हमने, यह जो है ना बाईपास पोर्ट है, ठीक है। अगर आपको ड्रिप में से कुछ खाद देना है
तो उसके लिए वेंचुरी लगवाना है तो वेंचुरी लगवा दीजिए। अगर मान लीजिए आपको वेंचुरी से अच्छा रहता है फर्टिलाइजर टैंक, क्योंकि वेंचुरी में क्या है कि खाद घोलना खुद को पड़ता है किसान को, लेकिन फर्टिलाइजर में टैंक में क्या है खोल दो डाल दो चलता रहेगा। तो फर्टिलाइजर टैंक के लिए भी पोर्ट दिए, तो ये सिस्टम आप अगर लगवा देंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक ठीक है, अभी वापिस जगह पे जाते हैं। यह सिस्टम मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी सिस्टम लगवाना चाहिए, लेकिन अगर नया किसान है उनको नॉलेज नहीं है पहली दफा कर रहे हैं तो ये आपको आसानी देगा। ठीक है, काम में आसानी देगा। अभी प्रेशर मीटर के बारे में अभी मान लीजिए आपने यह सारी सिस्टम यहाँ पे लगवा दी, ओके, और कुछ प्रेशर मीटर आप आगे भी लगवा सकते हैं बीच बीच में, कि जिससे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रेशर मीटर लगवाने के लिए कई बार किसान भाई सर्विस सैडर का इस्तेमाल करते हैं। सर्विस सैडर, अच्छा वो चीज क्या हमें पता? सर्विस सैडर मतलब मान लीजिए कि आपका इतना दुर्गम एरिया है, अच्छा, तो भी आपके गांव के पंचायत ने कहीं पे से पानी आपके लिए लाया है, ओके, तो बड़ी पाइपलाइन डाली है और वहां से आपको आपके आश्रम को पानी कैसे दिया, एक पाइपलाइन को एक सर्विस सैडर लगवाया, अच्छा, ओके, और पाइपलाइन को छेद लगवा के वहाँ से पाइपलाइन आपको दिया। तो सर्विस सैडर एक ऐसी चीज़ आती है कि जो पाइपलाइन में दो टुकड़ों में रहती है, एक नीचे से आती है एक ऊपर से आती है, और चार नटबोल लगवा दिए है, क्या सर्विस सैडर है लाइए जल्दी, तो और वहाँ पे छेद दिया तो आपका एक कनेक्शन निकल जाता है। अभी आदमी लाएगा सर्विस सैडर, चार नट लगाना है पड़ता है, अच्छा ठीक। तो उससे क्या होता है कि छोटे से एरिया में आप पाइप का कनेक्शन निकाल सकते हो। ठीक ठीक, अभी तो उस हिसाब से आप जगह जगह प्रेशर मीटर लगवा दीजिए और वॉच कीजिए। और क्या है मालूम है, क्या एक टेक्निक है, आप शुरुआत में 8 दिन 10 दिन 15 दिन आप बराबर सब देखेंगे सीखेंगे तो बाद में आपको हैबिचुअल हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसा आपने जब पहली दफ़ा गाड़ी चलाना सीखा तो आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का देखते थे, कहीं से कोई आ रहा है वो चाहे आपसे लंबा हो तो भी आप ब्रेक पे पैर रख देते थे, लेकिन अभी आपको जब आसान हो गया आप सीख गए तो भाई ठीक है, अभी तो आराम से चलाते दौड़ मतलब तेज़ी से चलाते, टर्न भी आ गया तो चला देते, चढ़ भी आ गया तो चढ़ा देते। तो इस हिसाब से कि शुरुआत में आपको सब चीज़ों का ख्याल रखना है, बाद में आपको फैमिलियर हो जाएगी। ठीक ठीक, और कुछ सवाल आपके? और क्या सवाल पूछे? ये आपने सवाल नहीं पूछा कि ये कॉक कौन से लगवाना? ओ कॉक को, हाँ, को साइज का, हाँ नहीं वो पाइप, तो पाइप, हाँ, अभी हाँ। देखो सब, हाँ सर्विस सैडल लाई इन्होंने तो इसको सर्विस सैडल बोलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक समझ, ओके, मतलब आपका जो पाइप है इसको एक पार्ट नीचे से रखते एक पार्ट ऊपर से रखते, चार स्क्रू रहते, यहाँ पे रबर रहता है बीच में, और ये लगवाने के बाद यहाँ पे छेद गिराते हैं। अच्छा, तो यहाँ से पानी आपको मतलब आपकी पाइपलाइन बड़ी है लेकिन हर एक घर में छोटा छोटा कनेक्शन दिया रहता है, तो इसको सर्विस सैडल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप प्रेशर मीटर लगवा देना, मशीन लगवा के इसका साइज छोटा करके, तो आपको वहाँ पे प्रेशर गिनता रहेगा। ठीक है, ये कॉक तो अभी कॉक दीजिए, वो कॉक दीजिए। तो ये जो कॉक है ना इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व। अच्छा, फ्लो कंट्रोल मतलब हम जब स्टडी करते थे तो फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मतलब क्या, ऐसी चीज की जो बह सकती है, ठीक थी है? फिर उसमें पानी भी आता है हवा भी आती है, अच्छा ओके, तो उसको फ्लूड बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लूड कंट्रोल, ये फ्लूड कंट्रोल करता है कि पानी आ रहा है इधर फिर इधर जाए या इधर जाए, तो ये कंट्रोल करता है। लेकिन साधारण भाषा में इसको बॉल वाल बोलते हैं। तो ये ऐसे बॉल वाल आप लगवा के मान लीजिए यहाँ पे लगवाया है, अभी ये खुला है, देखिए सभी को वीडियो में दिख रहा है, ठीक है, अभी इसको बंद कर दिया, ये बंद हो गया। तो इस तरीके से इसको प्लानिंग करना रहता है। और आप इस हिसाब से मान लीजिए आपका छोटा प्लॉट भी है तो आप इसके जगह छोटे कॉक यूज करने वाले हो। ठीक, कल जब बात चल रही थी तो आप ये 2 इंची का है तो आप मेरा 1.5 इंची का यूज करेंगे, मेरा 1.5 इंची है तो 1.5 इंची करेंगे, जिसको 1 इंची है 1 इंची करेंगे। अभी 1 इंची में दिक्कत क्या हो जाती है, अच्छा, कि 1 इंची पाइप को छेद गिराने में दिक्कत आती है। अच्छा, मतलब ये जो ड्रिल है ना, ये ड्रिल से पाइप को छेद गिराना पड़ता है। कोई पाइप का टुकड़ा है लाइए, कोई भी 2 इंची पाइप का टुकड़ा, तो उसमें ये इस तरीके का ग्रोमेट लगवाना रहता है। ठीक है, तो वीडियो के आखिरी में मैं आपको लगवा के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो देखने के लिए वीडियो से जुड़े रहे।
तो अभी 1.25 इंची 1 इंची पाइप में क्या हो जाता है कि पाइप का जो घुमाव रहता है ना वो छोटा रहता है, तो ये ड्रिल से छेद गिराने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन 1.5 इंची पाइप 2 इंची पाइप में आसानी रहती है। लेकिन जो बड़े किसान, मतलब अभी इनका छोटा प्लॉट है, ठीक है, वीडियो के शुरुआत में हमने बोला था कि इनका एक आश्रम है जिसको छोटा प्लॉट है, इसके लिए मैं इनको 1.5 इंची पाइप बोल रहा हूँ। लेकिन जो बड़े किसान है 1 एकड़ 2 एकड़, उन्होंने 2 इंची पाइपलाइन यूज करना चाहिए। अभी कई बार क्या हो जाता है कि कई लोग किसान को बोल देते कि सब लाइन 2.5 इंची करो, लेकिन मैं बोलूंगा 2.5 इंची नहीं करना चाहिए, ये 2 इंची है, ये 2 इंची है, ठीक है। गवर्नमेंट जो लगाया, हमारा जो आदमी है 2 इंची लगाया, 2 इंची अभी 2.5 इंची का अगर आपने पाइप यूज किया, 2.5 इंची का पाइप यूज करने के बाद क्या हो जाएगा कि जितना पाइप की साइज बढ़ती है उतना प्रेशर मेंटेन करने में दिक्कत आती है। अच्छा, अगर साइज छोटी है ना तो प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आप घर में गाड़ी धो रहे, बहुत किसान भाई ट्रैक्टर वॉश करेंगे और 1.5 इंची नली है, आधा उंगली लगवाई तो प्रेशर आ गया, और 2 इंची पाइप है तो आधा उंगली से कैसे आएगी। तो जितना आप, मतलब ड्रिप का एक अलग नाम है माइक्रो इरिगेशन, तो जितना माइक्रो प्लानिंग करेंगे उतना अच्छा रहता है। तो आप 2 इंची का ही सबलाइन यूज कीजिए। अगर आपका प्लॉट छोटा है तो आप 1.5 इंची तक कर सकते हो, लेकिन 2.5 इंची का हो सके तब तक इस्तेमाल मत करिए। ठीक ठीक, और कुछ? ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना डिटेल्स हमको समझाए। नहीं, एक्चुअली आपने कल मुझे एक सवाल पूछा था कि आपका जो प्लॉट है, अभी आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे आते हैं कि आप इसको ये कीजिए, क्लीन कीजिए, वीडियो में ये दिखना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा गाढ़ा इंक यूज करते हैं, तो क्रीम करने में दिक्कत हो रही है। तो आप इसको क्रीम कीजिए, तब तक हम हमारी बात चालू रखते हैं, आप आराम से इसको क्रीम कीजिए। तो क्या हुई कि आपने कल, आपकी दिक्कत क्या थी कि आपका जो आश्रम है तो उसमें आपको छोटे छोटे प्लॉट बनाना है और आपको अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स वहाँ पे लगवानी है, ठीक है। जो बाकी किसान भाई है, मतलब उनको क्या है कि एक बार अगर कपास लगवाई तो पूरा कपास रहेगा, एक बार उन्होंने अगर केला लगवाया तो पूरा केला लगेगा, लेकिन आपके बच्चों को रोज एक ही सब्जी तो नहीं खा सकते, तो आपको कहीं पे बैंगन लगवाना है, कहीं पे करेला लगवाना है, कहीं पे मिर्ची लगवाना है, कहीं पे गोभी लगवाना है, ठीक है। तो वो कैसे लगवाना, ये चीज मैं आपको बताता हूँ, बस बहुत हो गया मुझे, ठीक है। अभी मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, ओके, आपने यहाँ पे बैंगन लगवाना है, आपने यहाँ पे मिर्ची लगवाना है, आपको यहाँ पे दूसरा कुछ लगवाना है, मैं हो सके उतने अलग अलग शेप में यहाँ पे अलग अलग दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक, ओके। ये अलग अलग है, अभी अगर एक ही है तो काम आसान है भाई, एक नली लगवा दो, बात खत्म। लेकिन आपके अलग अलग फसल है, हर एक की अपनी अपनी जरूरत है, ठीक है। तो आपको, मतलब ऐसे, या जो किचन गार्डन करना चाह रहे हैं, या जो छोटे लोग हैं जिनको बंगलों में कुछ वेजिटेबल्स लगवाना है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत चलन बढ़ रहा है, तो कई लोगों को, मैं भी ऑर्गेनिक में आगे बढ़ रहा हूं, तो अभी इधर क्या है, अभी ये इनका, अभी मान लीजिए यहाँ पे इनका मैंगो है, ओके, यहाँ पे इन्होंने पपया लगवाया है, यहाँ पे इन्होंने चीकू लगवाया है, मूंगा है। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे अभी आप कॉटन तो नहीं लगवाएंगे, लेकिन कॉटन है, मान लेते हैं कुछ अलग है, इधर कुछ अलग है, इधर कुछ अलग लगवाया है आपने, ओके, ये अलग अलग है, ओके। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सब लाइन आपने डाल दी, ओके, और यहाँ से आपको प्लेन नली डालनी पड़ेगी, प्लेन नली, ओके, ठीक। मतलब ड्रिप इरिगेशन में दो तरीके की ड्रिप आती है, एक आती है इनलाइन की, जिसमें जो बुन बुन गिराने वाला एमिटर से जो ड्रिपर है वो हम खुद आपको लगवा के दे देंगे, ठीक है, और दूसरी आती है ऑनलाइन, मतलब प्लेन नली, और जहाँ पे भी आपको पौधा है वहाँ पे आपको खुद को ड्रिपर लगवाना है। मैं ड्रिपर को डी के हिसाब से दिखाता हूँ, ओके। तो अभी क्या है कि मान लीजिए ये दो फोसर में का अंतर आपका 2 फीट है, लेकिन ये दो पेड़ में का अंतर आपका 20 फीट हो जाएगा, तो अलग अलग है, ये हो जाएगा 8 फीट पे, ये हो जाएगा 3 फीट पे, कुछ भी हो सकता है, नहीं मालूम,
ओके, तो उस तरीके के प्लॉट के लिए आपको ये आसान रहेगा कि जहाँ पे भी आपका फसल है आप ड्रिपर लगवाइए उसमें, और हमारा एक एडजस्टेबल ड्रिपर आता है तो उसमें 2 लीटर से आप 20-25-30 लीटर तक एडजस्ट कर पाते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे मिर्ची लगवाई है, उसको 2 लीटर की जरूरत है, तो वहाँ पे 2 लीटर गिराइए, ओके, घंटे का, एक घंटे का बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे आपने मैंगो लगवाया है और मैंगो को 20 लीटर की जरूरत है, 20 लीटर गिरवाइए। चीकू लगवाया है, चीकू को आपको 30 लीटर जरूरत है वैसे। अच्छा, अभी अभी मान लीजिए कि बारिश का मौसम चला गया है और ये जो छोटे पौधे हैं उनको पानी चाहिए और बड़े पौधों को जरूरत नहीं, तो उनका ड्रिपर आप वहाँ पे बंद करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मतलब खोलने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, और जैसे वो लाइए तो ये ग्रोमेट आपको मालूम है, ड्रिल लाइए, सब सामान लाइए। तो ड्रिल मैंने आपको बता दिया, एक आसान का टूल है कि इसके वजह से छेद गिरता है। ठीक ठीक है, वीडियो के एंड में हमारे लोग आपको छेद गिरा के दिखा देंगे कैसे गिरता है। अभी छेद गिरा दिया और आपने सीधा अगर टेकअप लगवा दिया, टेकअप टेकअप आप दे दीजिए इधर, एक चेयर यहाँ पे खींच लीजिए। हाँ, तो ये टेकअप है, ओके, ये टेकअप आपने यहाँ पे लगवा दिया, मतलब हमारी जो वीडियो है ना बस किसान भाइयों को खुद की लगती है क्योंकि हम ज्यादा दिखावे पे नहीं कंटेंट पे ध्यान देते हैं। तो ये टेकअप लगवा दिया, अभी मान लीजिए आपने छेद गिराया और ये रबर का इस्तेमाल नहीं किया और सीधा टेकअप लगवाया तो ये तो निकल जाएगा। मान लीजिए ये छेद है, ये निकल जाएगा, तो इधर रबर पहले लगवाना पड़ता है। ठीक है, तो रबर क्या है कि इसको पकड़ के रखता है और फिर ये जब अंदर से दबाएंगे तो ये पैक हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ग्रोमेट के बाद टेकअप हो गया। ठीक है, अभी टेकअप और बाद में बीच में अगर आप नली डाल रहे और नली कहीं पे खत्म हो गई तो ये जॉइनर रहता है। ठीक, जॉइनर और टेकअप का फर्क देख लीजिए, टेकअप की एक बाजू अलग रहती है, जॉइनर की दोनों बाजू एक जैसे रहती है। ठीक है, और ये नली है, मान लीजिए प्लेन नली है, मैंने जो इनलाइन की बात की तो ये इनलाइन का ड्रिपर है, इसको छेद है, इसके वजह से बुन बुन पानी गिरेगा। तो टेकअप को आपको ये नली लगवा देनी है इस हिसाब से। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे किसान भाइयों को क्या दिक्कत आती है कि ये लगवाने में दिक्कत आती है, तो इसको लगवाने में मैं कुछ जुगाड़ आपको बता देता हूँ। अच्छा, कि इसको क्या है, पानी में भिगो देना। अच्छा, प्लेन पानी, सादा पानी। अच्छा, अगर ज्यादा आपको लग रहा है तो निर्मा सर्फ का पानी ले लेना। अच्छा, ये इसमें डाल दिया। हाँ, ओके, तो इसमें आसानी से चढ़ जाता है। अच्छा, ठीक, ओके, स्लीपरी होना चाहिए, स्लीपरी होना चाहिए। ठीक ठीक है, अभी अभी लोगों को क्या दिक्कत आती है कि ये इसके ऊपर चढ़ाने के लिए दिक्कत आती है, बराबर। तो बोट मतलब सादा स्क्रू ड्राइवर ले लिया, छोटा वाला। ठीक है, जो स्क्रू ड्राइवर गाड़ी के किट में आता है, टू व्हीलर के छोटे।